की है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह, आप लोगों का जनरल स्टडी पेपर नंबर 2 जो कि यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों के मेंस का कॉमन टॉपिक है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो हम लोग पॉइंट नंबर 1 कर रहे थे। दो तीन जो पहले की वीडियोस हैं उसमें मैंने कवर कर दिया था। एक वीडियो ये और इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं ये पॉइंट नंबर 1 कवर कर दूंगी और ये फिनिश हो जाएगा पहला पॉइंट आपका। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली और गो थ्रू करेंगे इस पूरे जनरल स्टडी पेपर 2 को और इसे कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। आप लोग जैसा कि यहाँ देख सकते होंगे ये इसका सिलेबस। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में ऐतिहासिक आधार कर लिया था, विकास कर लिया था, विशेषताएँ कर ली थी। तो आज का जो टॉपिक है संशोधन, क्योंकि उससे पहले हमने महत्वपूर्ण प्रावधान देखे थे। जब तक हमें प्रावधान नहीं पता होंगे तो उसमें संशोधन क्या हुआ उसके बारे में हम लोग नहीं जान सकते हैं। इसके बाद हमने आधारभूत संरचना की, भारतीय संविधान जो बना है उसकी संरचना आधारभूत क्या है और भारतीय संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका, ये सारा पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ये संशोधन आज करने के बाद तो मेन टॉपिक रह जाएगा कि जैसे शुरुआत हुई थी हमारे संविधान की प्रस्तावना की, काफ़ी क्वेश्चन मैंने देखे हैं यूपीपीएससी और यूपीएससी मेंस में, स्पेशली मैं बात करूँ यूपीएससी मेंस की, तो उसमें प्रस्तावना से रिलेटेड की प्रस्तावना की विशेषताएं क्या हैं या फिर प्रस्तावना में आए शब्दों की व्याख्या कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं। तो मैं नहीं चाहते कि एक भी पॉइंट हमारा छूटे और कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ जाए जो हमें आउट ऑफ सिलेबस हो, नहीं समझ में आ रहा हो। तो इसलिए इसमें जो चीज़ें नहीं, भारतीय संविधान ओवरऑल जब यहाँ कह दिया गया है तो इसका मतलब यही हो गया है कि हमें भारतीय संविधान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट ऊपर लेयर से तो सारी पता ही होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम लोग आराम से लिख सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ संशोधन। इसके अलावा GS 1, 2, 3, 4 की जैसे क्लासेस चल रही है एज इट इज़ चलती रहेंगी। पिछले एक दो दिन से क्लास नहीं आ पाई है तो आज और कल में मैं कंप्लीट करके अपलोड कर दूंगी वीडियो, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत हो। और ये कंप्लीट होने के बाद इसका PDF आपको सक्सेसमन चैनल जो कि टेलीग्राम का चैनल है और सक्सेसमन पेज फेसबुक पेज है जिसका दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है कोई भी कारण से तो आप मुझे कमेंट करें, मैं पर्सनल आपको ईमेल कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण संशोधन है, तो ये आगे भी हम करेंगे कि भारतीय संविधान के संशोधन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है। तो संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि मतलब संशोधन हमारे संविधान में कैसे किया जा सकता है। कोई भी कानून बन चुका है उस कानून को आगे हम कैसे, मतलब कि या तो उसमें कुछ घटा सकते हैं या उसमें कुछ बढ़ा सकते हैं, वो कैसे किया जा सकता है। जैसे कि अभी लेटेस्ट जम्मू कश्मीर का तो धारा 370 हटी है, तो उसमें वो संशोधन के कारण ही हटी है। तो इसका मतलब कि इसको प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो संशोधन है संविधान, वो तीन तरीके से किया जाता है मेनली। तो आप हमेशा या तो इस टाइप से हायरार्की बना के करेंगे, ये एक सीधी लाइन खींच के यहाँ पर लिखेंगे तीन टाइप से संशोधन किया जाता है, 1, 2, और 3। ये तीन पॉइंट्स यहाँ डाल के मतलब एक जो वेन डायग्राम टाइप में होता है वो बना के आप लिखेंगे तो उससे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले होता है साधारण विधि द्वारा संशोधन होता है, फिर होता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होता है, और संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन होता है। ये तीन तरह से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो अब तीनों में स्पेसिफिक क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है तीनों में, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साधारण विधि द्वारा संशोधन कैसे होता है। तो संसद जो होती है, संसद का मतलब यहाँ होता है आपका राज्यसभा और लोकसभा। संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। मतलब कि जितने लोग संसद में प्रेजेंट होते हैं राज्यसभा और लोकसभा, उसमें क्या होता है कि ओवरऑल 50% साधारण बहुमत, 50% प्लस 51, मतलब कि 51% अगर वोट मिल जाते हैं उस बहुमत को तो वो नॉर्मली पास हो जाता है और उसको राष्ट्रपति अगर मंजूरी दे देता है, क्योंकि पहले विधेयक पास होता है उसके बाद राष्ट्रपति मंजूरी देता है, तो उसके बाद वो जो भी हमारा पारित विधेयक है वो स्वीकार हो जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने
पर निम्न संशोधन किए जाते हैं। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिसके ऊपर राष्ट्रपति पहले अनुमति देता है और संसद में बाद में आता है, जैसे कि नए राज्यों का निर्माण। अब ये देख लीजिए, हम नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं फिर भी हम इसे साधारण बहुमत से ही पास कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा नोट करके चलेंगे, क्योंकि इसमें राज्यों की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है अगर हम किसी नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं या फिर किसी राज्य क्षेत्र सीमा और उसके नाम में परिवर्तन कर रहे हैं। ये पूरा ओवरऑल संसद का इशू होता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर ये कानून बन जाता है। संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन संबंधी तथा केंद्रों द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी व्यवस्था, ये सारी जो टॉपिक्स हैं आप एग्जांपल के रूप में यहाँ दे सकते हैं कि अगर हम कोई संशोधन संसद साधारण विधि द्वारा कर रहा है तो वो निम्न निम्न तरह से पॉइंट्स को संशोधित कर सकता है साधारण विधि के द्वारा। तो होप आप समझ गए होंगे कि साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक क्या होता है और कैसे ये आगे संशोधित होता है। सेकेंड है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत होता है कि यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने से वह संविधान संशोधन का अंग बन जाता है। इसका मतलब यह है कि मान ले 100 मेंबर हैं हमारे सदन में, 100 में से अगर 51 तो ओवरऑल जहां वहां आए कितने हैं ये नहीं देखा जाएगा, 51 ने अगर उसको मंजूरी दे दी, प्लस उसके अलावा अगर मान लो वहां पे उस समय 90 प्रेजेंट हैं, 90 का 2/3 हम लोग देखेंगे, 90 क्योंकि जिस दिन विधेयक पारित होता है उस दिन के प्रेजेंट की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो 90 का 2/3 जितना होगा यहाँ पे 90 का आप 2/3 निकाल लीजिए, 60 होता है, तो 60 अगर लोगों ने यहाँ पास कर दिया प्लस राष्ट्रपति ने भी स्वीकृति दे दी, तो इसमें तीन कंडीशन ऐड हो जाती है। ये तीन, पहला हमें जो जितने भी सदन में कुल सदस्य हैं वो पास कर दें, प्लस जितने उपस्थित सदस्य हैं उसका 2/3 लोग पास कर दें, प्लस राष्ट्रपति अगर उसे स्वीकृति दे दे तो वो संविधान संशोधन का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसे कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया द्वारा संशोधन होता है। तो मतलब अगर हम बात करें ओवरऑल तो ये जो विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होता है ये ज़्यादातर इसी टाइप से संशोधन हमारे पूरे संविधान में होता है। न्यायपालिका और राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आगे हम देखेंगे, इसके अलावा बाकी संशोधन इसी टाइप में होते हैं। और आपने देख लिया साधारण बहुमत द्वारा राज्य से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो हम साधारण बहुमत द्वारा संशोधित करते हैं। चलिए थर्ड है इसमें संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। अब विशेष बहुमत तो अभी हमने सेकंड पॉइंट में देखा था, प्लस इसमें एक और चीज जुड़ जाएगी, राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। तो संविधान के कुछ अनुच्छेद में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत में, अभी नेक्स्ट लास्ट टॉपिक में आपको समझा चुकी हूँ तो ये आप समझ चुके होंगे विशेष बहुमत क्या होता है। इसमें तीन प्रोसेस होते हैं, पहला जितने लोग सदन में हैं उसका साधारण बहुमत, प्लस जितने उपस्थित हैं उसका 2/3 बहुमत, प्लस राष्ट्रपति की स्वीकृति, और राज्यों की कुल विधान मंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृत। मान लो कि विधान मंडले हमारे जो देश में है 30 है मान लीजिए, क्योंकि हर राज्य में विधान मंडल नहीं है, वैसे तो 27 स्टेट हो चुके हैं, बट मैं एग्जांपल के तौर पे आप दे रही हूँ, विधान मंडल हर जगह नहीं है, यूनियन टेरिटरी भी है यहाँ पे, तो 30 अगर राज्य हैं तो 30 में से अगर 15 ने स्वीकृति दे दी है, 15 विधान मंडलों ने, हर जगह विधान मंडल भी नहीं होता क्योंकि यूनियन टेरिटरी है उसके अकॉर्डिंग ही काम चलता है यहाँ पर इस वजह से, तो अगर उन्होंने 15 ने स्वीकृति दे दी है तो यहाँ पर ये हो जाएगा विधान मंडलों द्वारा स्वीकृत। इसके द्वारा किए जाने वाले जो संशोधन के प्रमुख विषय हैं जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है जो अनुच्छेद 54 में आता है, राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति अनुच्छेद 55 में आती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार,
केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय और संघीय न्यायपालिका, ये जो चार ही चीज़ें, मतलब इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो सारे इसी संशोधन द्वारा संशोधित किए जाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में एग्जाम्पल जो आप देंगे वो इसी के अकॉर्डिंग आप देंगे। और भी इसमें विषय देख लेते हैं, राज्यों के उच्च न्यायालय भी इसी से संशोधित होते हैं, संघ और राज्य में विधायी संबंध, सातवीं अनुसूची का कोई विषय अगर हो, सातवीं अनुसूची में यहाँ पर तीन सूचियाँ आ जाती हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व और संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी हमारी थर्ड संविधान संशोधन की जो अभी प्रक्रिया मैंने बात की उससे कंप्लीट होती है। तो होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं ये क्वेरी को आपके सॉल्व कर सकूँ। चलिए अब जो हमारा मेन टॉपिक है महत्वपूर्ण संशोधन, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही दिया हुआ है कि कौन कौन से संशोधन हुए हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है, तो हम एक एक करके सारे तो यहाँ नहीं करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट संशोधन हुए हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला संशोधन 1951 में, इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया, क्योंकि 8 ही अनुसूचियां थी जब संविधान बना था, तो ये आप याद रखेंगे। यह संशोधन संविधान के 19वें अनुच्छेद में दिए गए किसी भी व्यापार कारोबार पर बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति प्रतिबंध ही कई नए आधार प्रदान करता है। तो 19 जो अनुच्छेद है वो हमारा स्वतंत्रता से रिलेटेड है, मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, तो उसके संबंध में ये पहला संशोधन 1951 में किया गया था। 7th संविधान संशोधन 1956 में किया गया, जिसमें राज्यों का पुनर्गठन किया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए यहाँ पर। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे कि जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, उसके बाद राज्यों का फिर से पुनर्गठन किया गया था। 13वां संशोधन है जो 1962 में बना था, जिसमें नागालैंड राज्य बनाया गया था। 14वां संशोधन 1962 में पहली अनुसूची में पौंडीचेरी को शामिल किया गया। पहली अनुसूची हमारे राज्यों की अनुसूची है जिसमें राज्यों को संघ का हिस्सा कहा गया है, तो उसके अंदर पौंडीचेरी को शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 18th संशोधन की। तो इसमें 1969 में हुआ ये पंजाब राज्य का पुनर्गठन और पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य यहाँ बनाया गया। 24th संशोधन 1971 में गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले की वजह से पैदा हुई परिस्थिति के संदर्भ में ये संशोधन किया गया। इस अधिनियम ने मौलिक अधिकारों समेत संविधान में संशोधन करने के संसद की शक्ति के संदर्भ में सभी संदेहों को दूर करने के लिए अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया। ऐसा लोकतंत्र के विभिन्न स्तंभों के बीच सरकारी और सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए यहाँ पर किया गया था। तो ये भी मौलिक अधिकारों से रिलेटेड ही संशोधन है। 31वां संविधान संशोधन 1973, इसमें लोकसभा की कुल संख्या बढ़ाकर 525 से 545 की गई है और ये 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। 36th संविधान संशोधन 1975, इसमें सिक्किम राज्य की स्थापना की गई थी। तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स भी इम्पॉर्टेंट है और मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों की व्याख्या कीजिए, तो आपको जो जो याद आता जा रहा है आप वो अपने एग्जाम में लिखते जाएंगे उस समय। 39th संविधान संशोधन 1975, इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक जांच से परे रखा, मतलब कि अगर इनका चुनाव होता है तो इन पे न्यायिक कोई जांच नहीं की जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन 1976, इस पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको पूरे डिटेल में समझाया है। इसका PDF जब मिलेगा तो आप इसके शॉर्ट नोट्स बना के अपने तैयार करके रखेंगे। संविधान का 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, लघु संविधान भी कहते हैं क्योंकि इसने संविधान में कई बदलाव किए, और ये संविधान संशोधन भारत सरकार की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया गया था।
42वां संविधान संशोधन के प्रमुख संशोधन है। सबसे पहले इसने प्रस्तावना में संशोधन किया, भारत के संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य की परिभाषा को बदल के संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, संप्रभु पहले जब हमारी प्रस्तावना बनी तो उसमें था संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य, उसके बाद कर दिया गया संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, ये शब्द जोड़ दिया गया। राष्ट्र की एकता शब्द को बदल के राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। तो ये मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, याद रखेंगे, और ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि क्या किसमें किसमें संशोधन किया गया 42वें संविधान में। नेक्स्ट किया गया विधानमंडल में, विधानमंडल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर यहाँ 6 वर्ष कर दिया गया। कार्यपालिका में राष्ट्रपति और का अपने कर्तव्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे, इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया। राष्ट्रपति जो भी काम करेंगे उसके लिए मंत्रिपरिषद उन्हें सलाह जरूर देगी। नेक्स्ट न्यायपालिका में किया गया, राज्य कानून के संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के विचार करने की शक्ति को खत्म करने के लिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 32A को शामिल किया गया और एक नया प्रावधान अनुच्छेद 131A ने सुप्रीम कोर्ट और विशेष अधिकार क्षेत्र को केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता से संबंधित सवाल का निर्धारण करने की शक्ति प्रदान की। नेक्स्ट यहाँ पे अनुच्छेद 144A और अनुच्छेद 120A में संशोधन किया गया और संविधान संशोधन अधिनियम ने कानून की संवैधानिक की न्यायिक समीक्षा पर विचार किया। अनुच्छेद 144A के तहत केंद्रीय या राज्य की कानून की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न पर फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की न्यूनतम संख्या कम से कम 7 निर्धारित की गई। इसके अलावा कानून को असंवैधानिक घोषित करने के लिए जजों की 2/3 बहुमत की आवश्यकता रखी गई। हालांकि मौलिक अधिकारों की शक्ति के मामले में उच्च न्यायालय की शक्ति अछूती रखी गई थी। किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करने की शक्ति पर कई प्रतिबंध लगाए गए। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कानून की शक्ति को बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई थी। नेक्स्ट केंद्र और राज्य के संबंध में भी यहाँ संशोधन किए गए। किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ की किसी भी सेना उसके नियंत्रण वाले किसी भी सेना को राज्य में तैनात करने में सक्षम बनाने के लिए अधिनियम के अनुच्छेद 257A को यहाँ शामिल किया गया। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांत। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया सबसे प्रमुख संशोधन था 14/1931 मौलिक अधिकारों पर सभी नीति निदेशकों को प्रधानता देना। यहाँ पर यह कहा गया कि नीति निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से बड़े होते हैं, सिंपल शब्दों में ये कहा गया। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। इसमें एक नया संविधान संशोधन के द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया जिसे 4A कहा गया। इसको बनाने के लिए अनुच्छेद 51A को शामिल किया गया जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की बात की गई, जिसे स्वयं सिंह समिति द्वारा कहा गया था, बताया गया था, रिकमेंड किया गया था। नेक्स्ट है आपातकाल। इस संशोधन में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ देश के एक हिस्से में नहीं। तो पहले ये हो सकता था कि आपातकाल एक हिस्से में 352 जिसमें आता है सशस्त्र विद्रोह के कारण जो आंतरिक आपातकाल होता है वो। यह अधिनियम राष्ट्रपति को देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल लगाने का अधिकार देता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 44वां 44th संविधान संशोधन 1978। अब इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जैसे कि पहले लोकसभा और राज्यसभा के विधान सभाओं के कार्यकाल, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के ये ध्यान रखेंगे 6 वर्ष हमने देखी थी 42 में कर दी गई थी, तो वापस यहाँ 5 वर्ष कर दी गई। पहले आपातकाल के कारण उसे बढ़ाया गया था लेकिन वापस इसे कम करके 5 साल कर दिया गया। अब यहाँ पे संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया, कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया था इस संविधान संशोधन के अंतर्गत। और इसमें महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि आगे की जाने वाली किसी भी आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल द्वारा लिखित में किए जाने वाले सलाह को प्राप्त करने के बाद ही करेंगे, मंत्रिमंडल से विचार विमर्श किए बिना प्रधानमंत्री द्वारा
दी गई किसी भी सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं करेंगे। इसके अलावा घोषणा के एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत द्वारा अपनाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी संशोधन किए गए, क्योंकि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था 73-74 में आपातकाल लगाया था, वो भी इन्होंने, बस इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से कहा और राष्ट्रपति ने लगा दिया, तो ये उस समय डिस्प्यूट की स्थिति काफ़ी हो गई थी, तो इस कारण ये संशोधन यहाँ पर किया गया। चलिए नेक्स्ट फटाफट देख लेते हैं। तो 52 संशोधन जो था 1985 में किया गया, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें दल बदल का कानून जोड़ा गया था, आपको पता ही ये चीज़। 53 संशोधन 1983-86 मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। 55 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। 56 में गोवा को राज्य बनाया गया। 61 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जो कि 1989 में हुआ था, ये याद रखेंगे। 71 में हुआ है, 1992 में कोंकणी मणिपुर नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 73 संशोधन 1992 में, इसमें संविधान में भाग यहाँ पे 9 और अनुसूची 11 को शामिल किया गया और ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था यहाँ की गई थी, मतलब पंचायती राज और नगर पालिका के को यहाँ शामिल किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 74th संशोधन 1992, इसमें 9A और अनुसूची 12 शामिल की गई जिसमें नगर पालिकाओं की बात की गई, मतलब 73 में हम यहाँ ग्रामीण पंचायत की बात करेंगे और 74 में नगर पालिकाओं की बात करेंगे। 86 संविधान संशोधन 2002, ये नए अनुच्छेद 21A को शामिल करता है जिसमें राज्य कानून द्वारा निर्धारित तरीके से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। 91 संशोधन 2003, यह अनुच्छेद मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्री की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी, ये संशोधित करता है। 92 संशोधन 2003, ये 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल करता है। और 94 संशोधन 2006, ये अनुच्छेद 164 की उपधारा 1 में प्रावधान में बिहार शब्द के लिए छत्तीसगढ़ झारखंड शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, ये कहता है। तो आज के पूरे टॉपिक में हमने देखा कि क्या क्या महत्वपूर्ण संशोधन हुए। ये 74 है 2006 का, इसके बाद भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए, तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, काफ़ी लेंदी लेक्चर हो चुका है। नेक्स्ट में हम इसका थोड़ा सा पार्ट करेंगे और जो मैंने अभी बताया प्रस्तावना के कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो हम देखेंगे। तो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियोस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।